अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइव। आज का जो हमारा टॉपिक है, सिन प्रोहिबिशन और प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज सेल एंड यूज ऑफ गुटखा एंड मेंटोल एक्ट 2019। सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लासेस को देखेंगे। डेफिनेशन क्लास की सब क्लास वन कहती है एडिक्ट। एडिक्ट की जो मीनिंग है फिजिकली और मेंटली, जो डिपेंड होता है गुटखा और मेन पुड़ी पे, जो रेगुलरली हैबिचुअली इस चीज़ को यूज़ करता है वो इस ज़िम्रे में आता है। सेकंड आता है एसेट्स। एसेट से मुराद है कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि गुटखा होगी, छालिया होगी, ऐसी चीज़ें अगर कोई भी एक्यूज के साथ बिलोंग करती हैं या उनके घर के बाहर पड़ी हैं या कोई बेच रहा है या कहीं लेकर जा रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी एक्यूज के साथ बिलोंग करती है और ये सब डेफिनेशन सब क्लास टू में आती है। थर्ड हम आते हैं एसोसिएट। एसोसिएट की हम मीनिंग करते हैं पार्टनर। पार्टनर से मुराद अगर कोई किसी की हेल्प करता है ऐसी चीज़ों को ले जाने में या बेचने में या उठाने में या किसी की किसी जगह पे मुश्तमिल करने में, तो सब क्लास थर्ड एसोसिएट्स में आती है। डेफिनेशन क्लास की हम सब क्लास एट को पढ़ेंगे, जिसमें गुटखा और मेन टूड़ी की मीनिंग बताई गई है। इसमें आता क्या क्या है? सबसे पहले आती है बैटलनट, जिसको कहते हैं छालिया। दूसरे नंबर पे आती है कैचू, जिसको हम कहते हैं काथा। और तीसरे नंबर पे आता है तोबाको। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही जाके गुटखा और मेन पुड़ी बनता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।